नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि यानी नवरात्रि, नौ व्रत रखने का महत्व है। ऐसे में व्रत जब आप रखते हैं तो किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके नवरात्रि यानी नौ रातों की पूजा का पूर्ण फल आपको मिले और माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो। अब नवरात्रि की बात आती है तो व्रत रखते समय किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। सबसे पहले तो व्रती को हमेशा सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12 बजे उठ करके व्रत रख रहे हैं, 12 बजे तक तो आपकी तपस्या का आधा समय तो निकल गया। यानी आपकी अगर परीक्षा भी ली भगवान ने कि खाली पेट रख करके कितना भजन मेरा कर सकता है, तो आधा दिन तो आपने सोए सोए निकाल दिया। माता रानी को भी प्रसन्न कर लिया, अपने पेट को भी प्रसन्न कर लिया, यानी आधा दिन निकल गया तो पीछे बचा ही क्या। तो कहने का कंसर्न ये है कि सूर्य उदय से पहले नहा करके स्नान करना है अगर आप व्रत रखते हैं। दूसरा नियम, व्रती को क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। इस दिन बहुत चटपटा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस दिन बहुत ही सिंपल साधारण फलाहार आपको खाना चाहिए। यानी फल के नियम से आप व्रत रखते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है, उन्होंने कुछ मन्नत मांगी होती है, वो अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं। लेकिन नवरात्रि का व्रत कहा जाता है फलाहार, यानी कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन जो फलाहार कहलाता हो। जैसे कुट्टू है, ये फल में आता है ना कि अन्न में आता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। साबूदाना है, ये फल में आता है ना कि अन्न में आता है, इसको अन्न की मात्रा में नहीं गिना जाता, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और साथ के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप भोजन या इस तरीके का फलाहार भोजन की बात कर रहे हैं, हम लोग अन्न भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी सेवन चीज़ का करते हैं तो उसके एक समय सीमा से बांधिए। यानी कितने बजे किस नियम का आपको पालन करना है, वही व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं कि एकदम खाली पेट रह जाओ, या व्रत का मतलब ये भी नहीं कि जब इच्छा करो तब खा लो, नहीं। इसके नियम को, इसके नियमों के पाबंद रहना चाहिए। यानी अगर आप एक दिन 12 बजे दोपहर में कुछ खा रहे हैं तो दूसरे दिन भी 12 बजे ही खाइए, दूसरे दिन 2 बजे, तीसरे दिन 4 बजे, चौथे दिन 5 बजे, फिर आपने 10 बजे मन किया तो 10 बजे खा लिए, नहीं। इन नियमों को बांधा जाता है, एक नियम अनुसार ही व्रत किया जाता है। फिर आती है कि व्रती को दिन की नींद नहीं करनी चाहिए, शयन, और वो भी खास करके मखमल के गद्दे के ऊपर सोते हैं जो, नहीं। अगर आप ज़मीन का शयन लेते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, देश काल पात्र यानी अवस्थाएं बदलती हैं, जब समय बदलते हैं तो उनके हिसाब से कुछ नियमों में बदलाव भी ज़रूरी होता है। तो आप बिस्तर पर भी सो सकते हैं, लेकिन ये निद्रा आपको रात में ही अपने समय अनुसार ही करनी चाहिए, ना कि दिन में, कभी शाम में, वैसे भी संध्या काल में तो नींद की ही नहीं जाती। तो ऐसे में आपको एक समय की निद्रा ही लेनी है और अपनी पूर्ण निद्रा करके ले लीजिए और सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। हाँ, अगर आप जागना चाहते हैं, जागृत रहना चाहते हैं, तो आप भक्ति कीजिए, माता रानी का आह्वान कीजिए, माता रानी की भक्ति कीजिए, आप भजन सुनिए, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, तो ये सब चीज़ों का पालन आप कीजिए। अब तीसरी बात आती है कि व्रती को दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी भी ऑडियो के माध्यम से उस सप्तशती को सुन भी सकते हैं। अगली बात आती है कि कभी भी अपने दिल के अंदर, मन के अंदर किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा, चलिए जी हम इसी नवरात्रि में ही हिसाब किताब कर लेते हैं, नहीं। माता रानी के व्रत और माता रानी की भक्ति जिस भाव से आप करेंगे
वही भाव आपके सामने आने हैं। तो कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई लालच, कोई नफरत, ये चीज़ें आपने नहीं रखनी है। व्रती को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग जो व्रत करते हैं वो किसी ना किसी बीमारी के चलते पीड़ित होते हैं। व्रत करते हैं लेकिन मेडिसिन का सहारा उन्हें लेना ही पड़ता है। तो व्रती को ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं ले, वो अपनी दवाई समय पर लें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बाकी नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनली उन्हें कुछ ना कुछ लिक्विड मात्रा में दिन में ज़रूर लेते रहना चाहिए। उन्हें अपने शरीर के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दवाई लेने में कोई परहेज नहीं है। जो व्रती ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं, आप माता रानी का ध्यान तो कर सकते हैं। अगर नहीं व्रत रख पा रहे हैं तो नहीं रखिए, लेकिन व्रत ना रख कर भी आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं माँ की भक्ति से। अब फिर आती है बात कि जो व्रत रख ही नहीं पाते हैं वो भक्ति करें, जो रख रहे हैं किसी कारण से स्वस्थ नहीं उनका ठीक रहता है तो वो अपनी दवाई मेडिसिन समय पर लीजिएगा। हर दिन व्रती को स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हर दिन व्रती को सुबह और शाम जब भी वो माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित करें, उनके वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ होने चाहिए, ना कि मल से भरे हों। ध्यान रखिएगा कि किसी भी कारण से आप बाथरूम में जाते हैं, और बार बार जाते हैं हम लोग, लेकिन संध्या के समय जब दीपक जलाते हैं तो उन्हीं वस्त्रों के साथ ही जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पूर्ण वस्त्र अपने चेंज करने हैं तो उसके बाद आपने माता रानी का ध्यान भी करना है और माता रानी की भक्ति भी करनी है। तो रात्रि का दीपक और सुबह का दीपक नियमित तौर पर जलाइए। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि ज्योत बीच में कभी भी शांत ना हो। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।